Yes, it's the same brand, Obin. And yes, it's the same bike, Roar. जो हमने पिछले साल तकरीबन जून के आसपास आई थिंक चलाई थी और पहली टेस्ट राइड तब हमने इस बाइक की थी और पहली बार इसको देखा भी था, लेकिन उस समय बाइक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, इन टर्म्स ऑफ सम मैकेनिकल थिंग्स। बट अब तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया है, फेम टू लागू हो चुका है, बहुत से चेंजेस अब इस बाइक में हुए हैं। एटलीस्ट अभी फिलहाल पहली जो झलक है इस बाइक की, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ इसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी हुई हैं। बैटरी की जो रेंज है वहाँ पर भी नंबर डिफरेंट देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस अब इस ओबन की रोर का किस तरह फील हो रहा है पिछले साल के मुकाबले, सभी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा तीन धांसू और तीन नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ओबन रोर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। तो चेंजेस पहले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव्ड हुई हैं पहले के मुकाबले। सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये काउल दिखेगा हेडलाइट के ऊपर जो पहले नहीं था। हेडलाइट का डिज़ाइन हालांकि सेम है, लेकिन यहाँ पे अंदर आपको फुली एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं एंड इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे एलईडी देखने को मिलते हैं। एक जो बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले वो है इन टर्म्स ऑफ पेंट क्वालिटी या फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो अब एकदम मुझे सॉर्टेड इसकी फिट एंड फिनिश देखने को मिल रही है। इतना रुका या कहें बहुत सी माइन्यूट से एरियाज अभी हैं जहाँ पर हल्की फुल्की और इंप्रूवमेंट गुंजाइश है, टेल यू विच वन आर दोज एरियाज, बट ओवरऑल जो बाइक की पहली झलक है देखने में जो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी वो काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट वाली यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ओवरऑल जिस तरह से पेंट क्वालिटी ग्राफिक्स इस्तेमाल करा गया है, ग्राफिक्स भी पहले के मुकाबले कुछ बदल गए हैं, यहाँ पे नई ब्रांडिंग आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। एंड दो कलर का ऑप्शन अभी फिलहाल इस ओबन की रोड में है, वन इज दिस ब्लैक एंड रेड एंड अनदर इज ब्लैक एंड येलो, तो ये दो कलर कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलते हैं। देन साइड में यहाँ पे ओबन की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे ये प्लास्टिक है बट कुछ जगह एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करा गया है टू मेक बाइक मोर स्टर्डी। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसके हेडलैम्प के पीछे यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया है, नीचे जो है बैटरी पैक जहाँ पे इसका है यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा गया है। दिस इज़ नॉट एल्यूमिनियम, दिस इज़ प्लास्टिक, बट यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल आपको बॉडी के ओवरऑल फील में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में भी यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो भी थोड़ा सा बदला है पहले के मुकाबले, तो वो भी एक चेंज यहाँ पे हुआ है। एंड ऑल्सो बात करें सीट की तो सीट पर पिछली बार थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वहाँ पर सीट अच्छे से लॉक नहीं हो रही थी, बट अब यहाँ पे ओवरऑल जो क्वालिटी है, ओवरऑल जो फील है काफ़ी अच्छा इन टर्म्स ऑफ सीट भी देखने को मिल रहा है। राइड के दौरान कैसी है, कंफर्टेबल है नहीं है, दैट विल टेल यू लेटर, बट ओवरऑल यहाँ पे साइड में भी ये रोर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स आपको पीछे तक जाते हुए इसमें दिख जाएंगे। ओवरऑल जो वेट है वहाँ पर आपको 17 kg एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलेगा एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द बैटरी आफ्टर द फेम टू सब्सिडीज। पहले 130 था, नाउ इट्स 147। रियर की बात करें तो टेल लाइट जो है दैट इज़ फुली एलईडी एंड अगेन यहाँ पे जो टायर हगर देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो न्यू एडिशन इन दिस रोर। एंड ओवरऑल जो व्हील का साइज है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट इज सेम एज बिफोर। एंड रियर में आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल कुछ डिज़ाइन अभी फिलहाल इसका इस तरह देखने को मिल रहा है एंड फिट एंड फिनिश यस ऑफकोर्स इम्प्रूव्ड पहले के मुकाबले महसूस हो रही है। यहाँ पर आए तो क्लस्टर का साइज़ हालांकि सेम है बट कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, स्पेशली इसमें जो है पहले लास्ट टाइम जो मैंने चलाया था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो इसमें जो डे लाइट की विजिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, लेकिन अब जो है इसमें सेंसर दिया गया है जहाँ पर ये डे नाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा तो जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। तो ये एक नया एडिशन यहाँ पे हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन एंड ये कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओबन की ब्रांडिंग है, बैटरी चार्ज कितना है, टाइम, ओडोमीटर, रेंज, तीन मोड दिए गए हैं, तीनों मोड में डिफरेंट रेंज देखने को मिलेगी जिसमें से पहला है इको मोड। इन टोटल 120 किलोमीटर का रेंज ओबन क्लेम कर रही है जो इस इको मोड में आएगा। फिर जैसे ही आप मोड स्विच करेंगे सिटी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज का फ़र्क आपको हर मोड में देखने को मिल जाएगा, वो डिप हो जाएगी। अब जो इसका टॉप मोड है दैट इज़ हैवक मोड तो वहाँ पर कुछ इस तरह से, लेकिन परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छा इस मोड में निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे राइट साइड में किल स्विच है एंड ये मोड स्विच करने का बटन एंड इसको टर्न ऑन करने का बटन ये यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में पास स्विच, हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच एज यूजुअल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब एक और मेजर चेंज हुआ है वो है पहले जो इसका
चार्जिंग सॉकेट था, तो ये भी एक और चीज मुझे लगता है अभी थोड़ी सी और यहाँ पर और बेटर फिट एंड फिनिश हो सकती है। तो ये चीज जो चार्जिंग वाली मैं आपको बता रहा था, जो यहाँ पे अंदर पिछली बार था एक प्लग दिया गया था विच वॉज फिक्स्ड विद द बैटरी, जो कि आप उसकी वायर निकाल के इसको चार्ज पे ला सकते हैं, लेकिन अब इसका चार्जर जो है अलग से दिया गया है विच यू कैन प्लग इट हेयर एंड वहाँ पर आप बाइक को चार्ज पे लगा सकते हैं। एंड लास्ट टाइम यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी नहीं थे, बट यहाँ पे राइट साइड में दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह भी यहाँ पे है, एंड ऑफ कोर्स फोन तो यहाँ पे आपका आ ही जाएगा। ये जो आप गैप देख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज अगर आपने वायर लगाई हुई है अंदर, आपको वायर निकाल के इसको लॉक करके रखना है चार्जिंग पे, तो वो भी एक ऑप्शन दिया है विच आई बिलीव इज़ कन्वीनियंट। बट इसको लेके मेरी थोड़ी सी चिंता ये है, यहाँ से पानी घुस सकता है, यू हैव टू मेक इट श्योर कि ये ऐसी जगह पे ना हो या वॉश करते वक्त कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे इसके अंदर पानी घुस जाए। तो यू हैव टू सील इट और पैक इट सम हाउ। देन देर इज़ मोर स्पेस विच इज़ अंडर द सीट, देर इज़ अ लीवर इन साइड दिस ओनली, आई पुल इट एंड यहाँ पे जो इसका चार्जर है इस तरह से यहाँ पे आप रख सकते हैं। देर इज़ स्पेस ओवर है, फिलहाल अभी चार्जर ही आएगा क्योंकि स्पेस उसी हिसाब से डिज़ाइन करा गया है। बट इन केस आप छोटी मोटी सिटी में ही राइड कर रहे हैं एंड चार्जर आप नहीं रखना चाहते, कुछ और सामान रखना है, आपको चार्जर की बैक टू बैक ज़रूरत नहीं है, आप घर आके ही चार्ज करेंगे, तो देर इज़ सम एक्स्ट्रा स्पेस अंडर द सीट ऑल्सो। तो ये कुछ चेंजेस इस ओबन की रोड में डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे, बेटर फिट एंड फिनिश। ऑफ कोर्स पहले के मुकाबले है कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं यहाँ पे, स्पेशली जो स्पेस इस तरह का देखने को मिल रहा है इस बाइक की सीट के अंदर और यहाँ पे जो टैंक नॉर्मली जहाँ होता है वहाँ पर भी कुछ स्पेस है। दैट इज़ समथिंग जो नॉर्मल बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है, किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में अभी फिलहाल इतना स्पेस देखने को नहीं मिला जो यहाँ पे ओबन अपनी रोड में दे रही है। बट इलेक्ट्रिक बाइक है, बैटरी मोटर परफॉर्मेंस की बात ना हो, रेंज कितनी है, किस तरह का परफॉर्मेंस, अब ये कुछ चेंजेस जो इसमें हुए हैं उसके बाद ओबन की ओर का देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहलू की। अब बाइक में पिछले साल के मुकाबले मैकेनिकली काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पावर फिगर्स की बात करें तो जो बैटरी पैक है वो इसका सेम 4.4 किलोवाट का है, लेकिन जो पावर है वेट बढ़ने की वजह से पहले 10 किलोवाट थी लेकिन अब 8 किलोवाट हो गई है और टॉर्क में भी थोड़ी कमी आई है। तकरीबन 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क पहले के मुकाबले कम देखने को मिलता है, पहले इट वाज 60, नाउ इट्स 52 न्यूटन मीटर्स। चार्जिंग की बात करूँ तो 2.2 किलोवाट का एक होम चार्जर है जिसमें आप 0-80% 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और एक ओबन पोर्ट का भी ऑप्शन ओबन दे रही है, इसमें 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर देखने को मिलता है। तो ये दो ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग ओबन रोड की इलेक्ट्रिक बाइक के लिए आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस वाले फैक्टर की, तो मोड जो इसमें है 3 दिए गए हैं, एक है इको, सिटी और तीसरा है हैवक। तो मोड्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, मोड्स पहले वाले ही हैं। इको में जो है मैक्स जो है 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, सिटी में 70 किलोमीटर पर आर की और हैवक मोड में 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड ये बाइक अचीव कर सकती है। एंड रेंज जो ओबन क्लेम कर रहा है, इसका IDC रेंज ओबन क्लेम कर रहा है 187, बट इको में मैक्स जो रेंज क्लेम अभी कर रहा है वो है 120 किलोमीटर्स। पिछले साल वो 150 किलोमीटर था लेकिन अब वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आई है, 150 से 120 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेंज भी देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस शुरुआत में डिसेंट है, इको मोड में बहुत ज़्यादा आपको वो एक्साइटमेंट या वो फन फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप मोड स्विच करेंगे वो डिफरेंस जो है परफॉर्मेंस को लेकर आप महसूस होगा, जो कि पिछले साल कुछ सॉफ्टवेयर इशू की वजह से हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जो है ये परफेक्टली काम कर रहा था और तीनों मोड में अलग अलग तरह का राइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से चेंज होता हुआ आपको इसमें दिखेगा। फिर जो इसका टॉप मोड है हैवक मोड, उसमें तकरीबन 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड ओपन क्लेम कर रहा है एंड इतनी स्पीड ये बाइक अचीव भी कर लेती है। एंड हैवक मोड जो है इसका सरप्राइजिंगली फास्ट नहीं है, यानी कि आपको एकदम चौंका नहीं देगा अगर आप उसको एक्सलेरेट करेंगे उस मोड में एकदम से, लेकिन वो एक ग्रेजुअली पेस जरूर पकड़ता है और सबसे ज़्यादा तेज तर्रार जरूर महसूस होता है एंड इसी मोड में इस बाइक का आपको असली परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई जरूर देगा। एंड सिटी और हाईवे दोनों के हिसाब से मुझे लगता है जो मोड इसमें दिए गए हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस इसका अच्छा खासा देखने को मिला है। जिस भी मोड में आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको उस हिसाब से इस बाइक में परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है।
फिर बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की, तो सस्पेंशन सेटअप और स्टील का जो कॉम्बिनेशन है बाइक में अच्छा कंफर्ट देता है। तेज़ रफ्तार में अचानक से कोई पॉट होल या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, बट ओवरऑल बात करूँ सिटी के हिसाब से तो वहाँ पर अच्छा डिसेंट कंफर्ट इस बाइक में देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छे से उन पॉट होल्स को एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देता है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग काफ़ी प्रिसाइज है, बाइट काफ़ी अच्छी है ब्रेक की, और तेज़ रफ्तार धीमे रफ्तार दोनों ही माहौल में बाइक का जो ब्रेक है वो एकदम परफेक्टली लगता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसमें ABS नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है वो एकदम सटीक तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं तीन धासु और तीन नॉर्थ धासु एलिमेंट्स, क्या लगे मुझे इस ओबन रोड को दूसरी बार चलाने के बाद। तो पहले बात करते हैं तीन नॉर्थ सो धासु एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है ये जो सेंटर में मैंने आपको इसका ये चार्जिंग पोर्ट वाला पैनल दिखाया, सो आई बिलीव यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। एंड ये जो स्लॉट है इट्स गुड फॉर कन्वीनियंस, बट यहाँ पर थोड़ा पानी घुसने का चांस भी है, सो मे बी थोड़ा सा और बेटर सॉल्यूशन मुझे लगता है यहाँ पे कस्टमर के लिए किया जा सकता है। देन सेकंड नॉर्थ धासु एलिमेंट जो मुझे लगा है दैट इज़ अबाउट दी सीट। सीट का कंफर्ट हालांकि अच्छा है, बट अभी जो मटेरियल इसका इस्तेमाल करा गया है दैट इज़ वेरी स्लिपरी, एंड जब भी मैं ब्रेक लगा रहा था सो आई वॉज गोइंग इन फ्रंट, एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ अभी ग्रिप बनाने के लिए या टैंक पैड्स अगर होते तो थोड़ा और बेटर ग्रिप होता, बट ओवन इज सेइंग दिल चेंज दिस कवर अभी फिलहाल जो सीट के ऊपर है बिकॉज दे हैव गॉट दिस फीडबैक, बट अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को इसमें मिल रही है। देन तीसरा और फाइनल नॉर्थ धासु एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके साइड मिरर्स को लेकर। अभी फिलहाल जो पोजीशन है बाइक पर बैठने के बाद वो थोड़ा फ्रंट की तरफ है, लेकिन मुझे लगता है जब मेरे को साइड मिरर्स देखने हैं तो मुझे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा पीछे अपने आप को करना पड़ता है, देन मेरे को क्लियरली विजन यहाँ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिज़ाइन में बदलाव होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ अगर ये होंगे कुछ डिज़ाइन की वजह से तो मुझे लगता है थोड़ा और बेटर विजिबिलिटी या बिना मूव करे अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पर मुझे लगता है मिल सकती है। अब बात करते हैं तीन धासु एलिमेंट्स, क्या लगे मुझे इस ओबन रोड के बारे में। पिछले साल जब मैंने इसको चलाया था तो बहुत सी चीज़ें जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, मुझे लगता है ओबन ने अब वो हर एरिया इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश कवर कर लिया, एंड बाइक का डिज़ाइन मुझे पहली बार भी अच्छा लग रहा था एंड डिज़ाइन अभी भी इसका मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इसका पहला धासु एलिमेंट है। एंड दूसरा धासु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस, स्पेशली हैवॉक मोड में जब आप इस बाइक को चलाते हैं इट्स नॉट सरप्राइजिंगली फास्ट, बट इट्स फास्ट एनफ टू मेक यू फील कि किस तरह का पावर ये बाइक जनरेट कर सकती है। देन तीसरा और फाइनल धासु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है विच इज सेम एज लास्ट ईयर दैट इज अबाउट दी ब्रेक्स ऑफ दिस बाइक। किसी भी मोड में आप हो, किसी भी स्पीड में आप हो, ब्रेक्स जो है काफ़ी प्रिसाइसली काफ़ी अच्छे से उनकी बाइट देखने को मिलती है, एंड वहाँ पर ये एस्पेक्ट मुझे लगता है इस बाइक का अभी भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर बाइक्स इन द सेगमेंट। अब ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की बात करूँ इस ओबन के रोड को लेके तो पिछले साल के मुकाबले ऑफकोर्स बहुत सी इम्प्रूवमेंट ओबन ने अपनी इस रोड बाइक में की हैं, एंड फिट एंड फिनिश को लेकर जो क्वालिटी ओवरऑल अब देखने को मिल रही है बाइक की वो काफ़ी स्टेप ऊपर पहले के मुकाबले ज़रूर चली गई है। जो इश्यूज हमने पिछले साल फेस किए थे उसमें से ऑलमोस्ट सभी अब ख़त्म हो गए हैं, कोई इशू उस तरह का अब देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ जो मैंने वीडियो में आपको बताए सिर्फ वही हैं, बट आई थिंक वो छोटे मोटे इश्यूज़ बहुत जल्दी ओबन फिक्स कर सकती है। प्राइस की बात करूँ तो 150,000 इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है, एंड ये जो प्राइस है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट काफ़ी सॉर्टेड अप फील हो रहा है, राइड एक्सपीरियंस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, एंड ओवरऑल क्वालिटी भी बाइक की अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और इन केस आपका ज़्यादा सिटी का यूज़ है, थोड़ा बहुत हाईवे का यूज़ है, और अगर आप उस पर्पस के हिसाब से कोई इलेक्ट्रिक बाइक देख रहे हैं या आपकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है ओबन की ये रोड आपके लिए एक अच्छी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन सकती है।